जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने 44, ठीक है, 44 क्वेश्चन है और 5 क्वांटिटीज का एवरेज 6 है, टोटल जितनी भी है टोटल मिला के 5, और 3 का उनमें 4 है, तो बाकी 2 का एवरेज बताओ। ठीक है, तो हमें बाकी 2 का एवरेज बताना है। तो बताओ, ट्राई करो, ट्राई करो, कर सकते हो तो, अगर अगर आप कर सकते हैं तो ट्राई करिए। अटेम्प्ट करो बेटा, अटेम्प्ट। कोई आइडिया है नहीं है बेटा? क्या कुछ आइडिया लग रहा है इस क्वेश्चन की रिगार्डिंग? कैसे करा जाएगा बताओ। चलो एक काम करते हैं बच्चों, ठीक है, हम बताते हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, पर आप बिल्कुल बेसिक से समझो। जैसे आपके पास में एक क्वांटिटी एक्स वन है, दूसरी क्वांटिटी एक्स टू है, ओके ओके, 44 का ए, लेट मी चेक भाई, पहला आंसर आ रहा है हमारे पास में, मान्या मान्या का आंसर आ रहा है, एंड लेट लेट मी कंफर्म कि आंसर सही है कि गलत है। बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही, पीयूष गुप्ता पूंजी, करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, 3 बच्चों ने आंसर दिया, बहुत अच्छे, ध्वनि गुड, वत्सल शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो आप देखो आपके पास 5 क्वांटिटी है, तो इनका जो मीन है, जो इनका एवरेज है, वो आएगा x1 + x2 + x3 + x4। हाँ, अभी अभी देखते हैं, तो ज्यादा डिटेल दे दी, इतनी डिटेल लिखी कैसे? तो ये 6 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो इन सब का सम कितना है? यस कोमल, यस करेक्ट है आपका आंसर भी। आप देखो इन सब का सम कितना है, 30 आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया वत्सल, वेरी गुड। अच्छा अब बाकी इनके लिए निकालते हैं 3 का, x1 x2 x3, इन 3 का एवरेज 4 है, x1 x2। वसल बहुत अच्छा करा है, बहुत अच्छा बेटा। आप देखो इन तीनों का सम तो 12 आ गया, तो x4 और x5 का बच्चे कितना आ गया बताओ। क्या सभी बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे? जो नहीं समझ पा रहे वो तुरंत बताएं। इन 2 क्वांटिटीज का सम आपके पास है, तो इनका एवरेज कितना होगा बच्चों? इनका एवरेज होगा 18/2, ठीक है, तो आंसर 9 आ गया। एक मैं शॉर्टकट बता देता हूं बच्चों, एक शॉर्टकट भी है, जब एवरेज और एवरेज को मिक्स किया जाता है, जब एवरेज और एवरेज को मिक्स किया जाता है, नहीं 40 नहीं हुआ होगा, अब 44 से शुरू करें बेटा, ठीक है। जब मीन और मीन को मिक्स किया जाता है, तो बच्चों उनके लिए फॉर्मूला होता है कि भाई मीन में मीन को मिक्स किया, तो पहला मीन, दूसरा मीन, अभी बताते हैं इसका क्या मतलब है। आप इस क्वेश्चन से कनेक्ट करिएगा, ये तो 5ों का मीन है, दिस इज 6, 3 का मीन 4 है,
दो का मीन पता नहीं, नीचे थ्री प्लस टू करेंगे फाइव आएगा। जैसे डायरेक्ट सॉल्व निकाल करके देखना जरा, आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, डायरेक्ट करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा, जस्ट चेक आउट क्या इससे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। और ये दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, दस हो, कितने भी हो, ये हमेशा वर्क करता है। इट ऑलवेज वर्क, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दिस इज इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन बच्चों दिस इज वेरी 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 यूजफुल इन प्रैक्टिकल यूज ऑल्सो। ओके क्रिश, ठीक है चलिए आगे बढ़ते। चलिए 45th क्वेश्चन आपके सामने है। 45th, नहीं 45th रहने दो, जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे लगता है इसकी। 45th नहीं 46 करो आप बच्चे, गो फॉर 46 नॉट फॉर 45। 46 देखो एंड टेक योर टाइम। बिल्कुल, ये मैंने दिया था क्या आप लोगों ने कर लिया बेटा? क्रिश, ये मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया था, क्या आपने कंप्लीट कर लिया बेटा? अच्छा डाउट बताओ कौन कौन से हैं, फिर आप डाउट बताओ। सारी कर लिए बेटा आप, ऐसा तो नहीं सारी पीडीएफ कर लिए, और पीडीएफ दे देते हैं फिर आपको ग्रुप पे, मुझसे मांग लेना जो जो पीडीएफ आपको चाहिए। फर्स्ट टर्म के जो पीडीएफ रिमेनिंग है बता दीजिएगा। स्ट्रेट लाइन नहीं दिया होगा क्या? थिंकिंग नहीं, क्वेश्चन में नहीं आया कुछ। और क्वार्टिल, क्वार्टिल करने भी नहीं है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में बेटा बात बढ़ जाएगी, बता देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर भी। अभी पहले ये बताओ 46 हो रहा है नहीं हो रहा, जल्दी बताओ 46 आता है या नहीं आता? हो जाएगा, अच्छा ठीक है, 46 हो जाएगा। 46 सिलेबस में नहीं है, 46 नहीं करना है बेटा, सिलेबस में नहीं है ये। 46 बताओ किस किस की प्रॉब्लम आ रही है, देखे बंदे कौन कौन आए आज। अच्छा फोर्टी सिक्स कर दिया, बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों 46 के लिए मैं आपको एक बार बता दूं क्या कहानी है 46 की, फिर आप लोग डिसाइड करिएगा। होमवर्क नहीं हुआ है मुझे पता चल रहा है, काम नहीं करा गया। देखो बच्चों ये एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? वेरिएंस का फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, यस डिस्क्रीट वाला होगा, यस डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला होगा बच्चों। बहुत बढ़िया पूंजी, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड वेरी गुड। अब आप देखो बच्चों इसमें आपको क्या क्या चाहिए, एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, एन चाहिए, एन आपके पास कितना है भाई, एन कितना है निकाल लो, 7 है, सिग्मा एफ एक्स कितना है इसे निकाल लो। अगर अगर आप लोग प्रॉपरली इसे देख पा रहे हैं, आप देखिए आपके पास एक्स है, आपके पास एफ है, आप निकालेंगे एफ एक्स, आप निकालेंगे एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है कुछ इस तरह से। तो बच्चों आपके पास यहां एक्स है, देखो जिन लोगों ने
मेहनत की है, होमवर्क किया। अभिषेक वेरी गुड बेटा, तो उनको ये बड़ा कंफर्टेबल लग रहा होगा, अदरवाइज इनमें आइडिया नहीं लगता कि करें क्या। भूमिका गुड, बहुत बढ़िया मान्या, शाबाश भाई, बच्चे सही काम कर रहे हो सारे सारे। हर्षित वेरी गुड, ठीक है पीयूष, शाबाश बेटा शाबाश भाई। बाकी बता दो, बाकी बच्चे यहां से क्या आएगा? सिग्मा एफएक्स आएगा, यहां से क्या आएगा? सिग्मा एफएक्स पे आएगा, और ये आ गया आपका एन। तो वैल्यू पुट कर दो भाई, वैल्यू पुट कर दो एंड गेट योर आंसर। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अलग मेथड दिया। आप ये बताओ भाई, मैं चाहूंगा एक बार अनम्यूट होके बताओ भाई, मेरे को ये बताओ बेटा, पहले का स्क्वायर गलत है बेटा, स्क्वायर नहीं करा। एफ एक्स में बच्चे एक्स की मल्टीप्लाई करिए, अनंत बेटा एफ एक्स में एक्स की मल्टीप्लाई करिए, इज इट ओके? सही नहीं है क्या ये? बताओ क्या ये सही है बेटा, गलत है? अब बताओ, स्क्वायर नहीं करे बेटा हमने। अब चेक करो यहाँ पे भाई, एफ एक्स स्क्वायर मीन्स एफ एक्स में एक्स की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आ रहा है वो लिखा रहा। ठीक है, हाँ मैं अभी एक बार जरा पूछ रहा हूँ, क्रिश बेटा अनम्यूट करके बताओगे एक बार कि क्या एनसीईआरटी के मेथड आपको कंफर्टेबल लग रहे हैं? तो जो वर्कशीट टू है उसमें ना एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि सिग्मा इक्वल्स रूट वन अपॉन एन, फिर समेशन ऑफ एफ आई इनटू एक्स आई माइनस मीन का होल स्क्वायर। सही बात है बिल्कुल। अब ये बताओ क्या आप उसके साथ कंफर्टेबल हो? सर उससे ज्यादा ठीक आंसर नहीं निकल रहे, वो जो आपने लिखवाए थे फॉर्मूला उससे ठीक आ रहे हैं। हाँ, मैं यही बताया था, बिल्कुल सही आपने कहा। एक्चुअली बेटा एक तो क्वेश्चन को देखते ही ना हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, अब एक कंफ्यूजन ये नहीं होती कि इसमें कौन सा लगेगा। आपने इसे देखते ही बता दिया कि ये डिस्क्रीट से होगा, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कैटेगराइज कर दिया है कि भाई अनग्रुप है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्क्रीट है तो कौन सा लगेगा, कंटिन्यूस है तो कौन सा लगेगा। तो उस वजह से हमारे मेथड ज्यादा कंफर्टेबल है और वो हमेशा एक्सेप्टेबल है। आई रिपीट, वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है एग्जाम में, इनकी एक्सेप्टेंस ज्यादा है। तो आप लोगों के लिए बेटा हमने बहुत आसान काम करा है इसीलिए कि आप ऐसे करें इनको। ओके, अब ये बताओ 46 समझ में आ गया होगा सबको, अब तो हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। 46 के बाद बेटा 47 हमने बोला था, आ नहीं रहा। अब 48 मेरे को लगता है बढ़िया क्वेश्चन है भाई, 48 बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन है, तो क्या इस बेहतरीन क्वेश्चन को कर सकते हैं हम लोग? ऐसा क्वेश्चन क्लास में हुआ है? बिल्कुल हुआ है भाई, बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है ऐसा क्वेश्चन क्लास में। मुझे तो ऐसा लग रहा है यही हुआ है शायद। आपको याद आया बच्चों ये कैसे हो रहा था कि भाई मीन यही हुआ है? सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे अदन, यही हुआ है। X1 X2 X3 उसमें दोनों ऑब्जर्वेशन निकालनी थी और इसमें दोनों का डिफरेंस निकाला था। या इसको हम लिख सकते हैं, पे काम करके रखा है जिन बच्चों ने, उनको तो बहुत जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगे।
जरा बताएंगे किस किस को समझ में आया, याद आया ये क्वेश्चन? दो बच्चे तो बता रहे आगे, उनको याद क्या ये आपको याद आ रहा है? यस, करा है कंफर्म करा है। एक बार रेशो उठा के देखिएगा, 48 क्वेश्चन कराया हुआ है, कराया हुआ क्वेश्चन है, लॉन्ग से बना दिया, 5 आंसर है इसका। हाँ ठीक है, आंसर है। इसमें दो ऑब्जर्वेशन निकाली जाएंगे बच्चों, ठीक है, दोनों ऑब्जर्वेशन निकाल के। लंबा क्वेश्चन है, लंबा क्वेश्चन है काफी, ठीक है। थर्ड ये है आपके शायद मिसलेनियस का, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है बच्चों, मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये। कर लोगे इसको? बताओ जल्दी से, कर लोगे या नहीं? जल्दी बताओ, कर लोगे या नहीं कर पाओगे? किस किस को प्रॉब्लम आएगी इसमें, जरा एक बार बताना जरा, कराए हुए क्वेश्चन में किस किस को प्रॉब्लम आएगी? इस चैप्टर की मिसलेनियस इजी है, अच्छी है इसकी मिसलेनियस अगर आप करें तो, ठीक है। चलो एक काम करते हैं बच्चों, मैं क्या कहता हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग करके नहीं आए इसको। एपी की मिसलेनियस डिस्कस कर लेना। अच्छा, एपी की मिसलेनियस डिस्कस कर लेंगे, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। भाई कुछ नया दिखा, नया वो करके रखोगे आप लोग? ये देख रहे हो, ये बहुत थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा मामला इसमें। सो कॉम्प्लेक्स में हम लोग है ना चेंज करेंगे, कॉम्प्लेक्स की जो करवा देंगे, करा देंगे बेटा। अच्छा भैया, अब हम लोगों का कौन सा चैप्टर बचा जरा बताएंगे? हमारा कौन सा चैप्टर रिमेनिंग एक बार बताओ जरा बेटा, पता लग जाएगा कोमल। लिमिट्स बचा हुआ है, सही में लिमिट्स बचा हुआ है, तो लिमिट करा देते हैं अभी। लिमिट्स में कितनी देर लगती है? रुको, अभी कराई लिमिट बेटा हमने, एक खत्म करा देते हैं लिमिट। कॉम्प्लेक्स में मुश्किल नहीं है, पता लगेगा बेटा, पता लगेगा, जब कराऊंगा ना तब पता लगेगा, लाल मेरे तब पता लगेगा। लिमिट्स पे आते हैं, एक मिनट रुको जरा। यस, आगे बेटा लिमिट्स अभी करा देते हैं लो, और बोलो लिमिट्स अभी लो, तुम शुरू करा दो, खत्म करते हैं। एपी के नहीं मिल रहे, अरे किसके मार्क्स आ गए? 25 आ गए 10 में से, अरे वाह। अच्छा 25 10 को है, हाफ एली मैच का, कोई बात नहीं, तो हमारा एक ही बच रहा है। अच्छी बात है, चलो 49 आ गए थे। आपको कराते भी लिमिट्स, टेंशन नहीं बिल्कुल भी, अभी कंप्लीट कराते हैं जल्दी जल्दी से। देखो बच्चों, लिमिट्स में क्या होता है, सिंपल सी बात यह है। हाँ, आपको ये x की वैल्यू दिखाई दे रही है बेटा, ये जो x की वैल्यू है ना, ये मान लो 1 की तरह है बिल्कुल, और इसे पुट करने में हमें प्रॉब्लम होगी अगर अकाउंट में 0 आए।
एक सिंपल सी बात ये सुनो, अभी x की जगह अगर मैं 1 लिखता हूं बच्चों, अगर अभी मैं x की जगह 1 लिखता हूं तो कितना आया, 1 आ गया, बस यही आंसर है। हम तब सोचना शुरू करेंगे जब अपॉन में 0 आएगा। भाई जल्दी जल्दी से बताओ, जयकारा से लगाओ, बताओ क्या ये बात समझ आई कि नहीं आई। आप x की जगह 3 पुट कर सकते हैं, x की जगह -1 पुट कर सकते हैं, हमें पुट करने में सिर्फ तब प्रॉब्लम होगी जब अपॉन में 0 आएगा, अनलेस अंटिल हम खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे, ये बताओ। तो इसका आंसर 1 आ गया बेटा। ये तो होता है फंक्शन, ये होती है लिमिट। लिमिट का मतलब होता है इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी है, लिमिट पर का मतलब होता है कि ये इसके आसपास है वैल्यू। तो इसे रखने पे आंसर क्या आएगा, x की जगह 1 रखने पर फंक्शन में आंसर क्या आएगा, तो आप बोल दो 1 आएगा। अब अगले का बताओ, अगर x की जगह मैं 3 लिखूं तो आंसर क्या आएगा, बताओ बच्चों क्या आएगा। यस 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 12 आएगा। बताओ किसी को दिक्कत आई बच्चों, भाई किसी को दिक्कत आई, किसी को प्रॉब्लम आई, नहीं आई। थर्ड पार्ट में जाओ, सारे बच्चे आंसर करो, सारे बच्चे, भाई हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। ओके ओके अभिषेक अभी चेक करेंगे। बहुत बढ़िया अभिषेक, अनंत, क्रिश, सबका आंसर सही है भाई, सबका आंसर सही है। वत्सल करेक्ट आंसर है बच्चे, पीयूष करेक्ट आंसर है, भूमि का करेक्ट आंसर है, पूंजी गलत हो गया, अरे -1 है ये, देखो जरा क्या है ये, -1 है, -1। ध्वनि गलत आंसर, कोमल सही आंसर, हर्षित सही आंसर, रवि करेक्ट आंसर, भाई x की जगह -1 लिख दो। अब -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, -1 का क्यूब करोगे तो फिर लकी गलत आंसर आ रहा है, तो 1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर -1 आएगा, फिर +1 आएगा, लास्ट में +1 आएगा, तो ये तो खत्म होते जाएंगे, ये वाला 1 बच जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा इसका 1, करके देख लो आराम से भाई, इजीली सॉल्व करके देख लो, इसका आंसर 1 आ रहा है देख लो। चलो फर्स्ट पार्ट करो जल्दी से, बताओ आंसर क्या आ रहा है। सिर्फ बच्चों आप लोग फर्स्ट पार्ट करो। ओके पूंजी, अनंत और भी ऊपर आ रहा है, वत्सल, पीयूष, हर्षित गलत हो गया बेटा, पीयूष सही है, पीयूष, पूंजी, अनंत, कृष, वत्सल, माहिर, रुद्र, ध्वनि, सबके आंसर करेक्ट है, दृष्टि, हर्षित गुप्ता, भूमिका। अवनी, रोहित, लकी गलत आ रहा, क्या कर रहे हो बेटा, सेकंड पार्ट अभी नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है। रवि सही आंसर है बेटा, अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है, और नहीं करना कोई भी, ये नहीं करने अभी, ये नहीं करने अभी, ऐसे नहीं बेटा, ऐसे नहीं अभी, ये नहीं करने। हाँ सेकंड में 0 आल भी रुक जाओ, कराएंगे ना, चिंता जो कर कराएंगे। अच्छा अब जरा 13.1 पे आ जाओ, पहले जो मैं बता रहा हूँ उन्हें करो, पहले मेरी बात सुनो, फर्स्ट करो, सेकंड करो, थर्ड करो, फोर्थ करो, फिफ्थ करो, नाइन्थ करो, 11 करो। सबसे पहले फर्स्ट का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो और आंसर बताओ। ओके ओके नहीं, एक एक करके, एक एक करके, ठीक है, फर्स्ट का आंसर सही है, जिन्होंने भी अब तक आंसर दिया है सबका आंसर सही है, 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 सही है। सेकंड का आंसर बताओ, सेकंड का आंसर भाई, सेकंड का आंसर बताओ जल्दी से, बहुत बढ़िया, बताते रहो बताते रहो, सेकंड का आंसर सबको बहुत जबरदस्त शाबाशी मिलने वाली है। और सेकंड का सबका आंसर गलत है, सेकंड का सबका आंसर गलत है, आपने x की जगह पाई पुट किया और 22/7 आया,
ये आंसर है, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है भाई। ये आपको किसने बता दिया पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मुझे बताओ, किसने बताया तुम्हें आज तक? क्या तुम्हें ये किसी ने बताया पाई की वैल्यू 22/7 होती है? मैंने कभी नहीं बताया आज तक। अरे मैंने आज तक नहीं बताया कभी भी 22/7 होती है। पाई इरेशनल नंबर होता है और 22/7 रैशनल होता है, तो इरेशनल कैसे रैशनल के इक्वल हो जाएगा बताओ? बचपन में बेटा बताया जिसने, जो बताया हमें कोई मतलब नहीं। तुम जो करते थे करते, तुम खुद बताओ ना मुझे, एक बात बताओ, इतने इंटेलिजेंट हो तुम लोग, पाई इरेशनल है या रैशनल? बिल्कुल गलत है अनंत, बिल्कुल गलत। पाई इरेशनल है और 22/7 रैशनल है। एग्री और नॉट एग्री? तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। इरेशनल रैशनल के इक्वल कैसे हो जाएगा फिर? 22/7 है क्या चीज भाई? हमारा इतना बेवकूफ क्यों बनाया गया फिर? 22/7 क्या है? यस, 22/7 इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, अच्छा अवनी आंसर सही है बेटा। थर्ड का बताओ, थर्ड का आंसर। इसका आंसर आ गया पाई माइनस 22/7, इसका आंसर आ गया 6। थर्ड का आंसर बताओ। शाबाश 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 शाबाश, थर्ड का आंसर आ गया जस्ट पाई। अरे आप किसने लिख दिया 22/7? पाई आ रहा है बेटा, पाई। 22/7 कैसे आ गया? नेक्स्ट का आंसर बताओ, फोर्थ का। ओके ओके ओके, पाई टाइप नहीं होता तो 22/7 लिख दोगे? 19/2 डन है भाई। अरे रे रे, इतने सारे आंसर। चलो फिफ्थ का बताओ, फिफ्थ का। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, देखो चेक करो क्या यही आंसर आ रहे हैं आप लोगों के कि नहीं आ रहे बच्चों? यही आंसर आ रहे हैं या कुछ और आ रहा है बताओ? नाइन्थ का बी क्या है ये? अच्छा नाइन्थ पे कैसे पहुंच गए? अच्छा वो बच्चे बता दो जिन्हें प्रॉब्लम हो रही है, वो बच्चे बता दो जिनको प्रॉब्लम हो रही है। नाइन्थ का आंसर बताओ, नाइन्थ का चेक करो आंसर यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। और इलेवेंथ का बताओ, इलेवेंथ जल्दी से। ओके शुरू हो जाओ, आप टेस्ट में भी डिनोट। अच्छा टेस्ट में क्यों देंगे बेटा, अभी समझाएंगे जरा देखो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इलेवेंथ का आंसर देखो चेक करो, वन आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलो आगे देखते हैं। केस खराब हो गया यहाँ पे तो। चलो अब आते हैं जिनमें जीरो आता है उनमें क्या करते हैं भाई। अगर अकाउंट में लिमिट पुट करने से जीरो आ रहा है तो समझो कुछ नया करना पड़ेगा, फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करो पहले तो, जस्ट चेक आउट कि क्या फैक्टर हो रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ भाई, इतनी जल्दी नहीं। बेटा बस बढ़िया चैप्टर है आपका, देखो कंप्लीट करा देते हैं। लास्ट है ना ये हमारा, लास्ट चैप्टर बच रहा है ना ये भाई। क्या ये हमारा लास्ट चैप्टर रिमेनिंग है या नहीं बताओ जल्दी से? लास्ट है ना ये बिल्कुल, बस इसके बाद आपको इनके एमसीक्यू कराएंगे तब आपके अंदर बात बनेगी। पहले देखो अभी कुछ ऊपर को देखो, सॉल्व करो इसको। क्या न्यूमरेटर के फैक्टर करने आपको आते हैं? क्या न्यूमरेटर के? पूंजी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है तुम्हारा। क्या न्यूमरेटर के फैक्टर करने आते हैं? हो गए। मैंने कहा था अपॉन में जीरो नहीं आनी चाहिए, मैंने कहा है बच्चों अपॉन में जीरो नहीं आनी चाहिए, बस
एक्स की जगह टू पुट करो, अपॉन में जीरो नहीं आनी चाहिए, नहीं आ रही, तो जीरो अपॉन फोर आ रहा है, सो आंसर इज जीरो। बताओ भाई समझ में आया नहीं आया, जल्दी से बताओ जल्दी से। स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, जैसे ही लिमिट पुट करी हमने लिमिट को लिखना बंद कर दिया। स्टेप फोर, कहीं कोई दिक्कत आ रही है? ये करना किन क्वेश्चंस में होगा, ये किन क्वेश्चंस में करना होगा? ये करना होगा बच्चों जिनमें अपॉन में जीरो आता है और फैक्टर पॉसिबल है, ठीक है? आप फोर्थ पार्ट करो पहले बच्चों, फोर्थ पार्ट करो, फोर्थ पार्ट, ये बेकार क्वेश्चन है बता देंगे, पहले फोर्थ पार्ट करो। हमें बच्चों फोर्थ पार्ट करना है। ओके पूंजी वत्सल, गुड, माहिर शाबाश, चेक करो क्या आप लोगों ने जब फैक्टर करे तो ऐसे ही आ रहे थे। हाँ जी समझ में आई बात नहीं आई बच्चों, क्या आपके समझ में आई बात या नहीं आई? यहां तक डन है? अभी रुक जाओ, अभी हम बताएंगे कौन सा करना है, पहले आप डिसाइड नहीं करो भाई, रुक जाओ अभी हम बताते हैं। देखो भाई हम लोगों ने फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया, फिफ्थ कर लिया, सिक्स्थ अभी नहीं करना, आप सेवंथ करो, सेवन एट, सेवन और एट करने हैं आपको, आपको करने हैं सेवन और एट, पहले सेवन करो बच्चों, सेवन स्टार्ट करते हैं। सेवन करो, आराम से करो, बिल्कुल रिलैक्स होके करो। बहुत बढ़िया पूंजी क्रेज, वेरी गुड,
दृष्टि कुछ गड़बड़ लग रही है बेटा, टाइपिंग एरर है या देखो। कोमल रुद्र ध्वनि अनंत क्रेश पूंजी का तो कहते हैं पूंजी क्रेश अनंत ध्वनि रुद्र कोमल दृष्टि अपॉन में फोर आया था रवि माहिर क्रिश। बेटा कौन सा कर दो ये आप, नेक्स्ट कर दिया क्या, एंड मान गया, ठीक है सही आंसर है। चलो इस पर आ जाओ बच्चों, इस पे एट करो, एट एट करो, एट अच्छा ठीक है। एट का एक आंसर आया भाई, एक आंसर आ रहा है कुछ ऐसा, अनंत कह रहे वन आ रहा है, ठीक है बाकी बताएं जरा, जिसका आता ज्यादा बताएंगे। क्रिश है ये, अनंत है, पूंजी कह रहे हैं जीरो आ रहा है, जीरो तो मुझे नहीं लग रहा क्या है। अच्छा अरे जीरो अपॉन जीरो हो जाएगा, नीचे भी जीरो आ रहा है ना, अपॉन में जीरो भी तो आ रहा होगा, सेवन का सही था, हाँ सेवन का सही था, अपॉन में होगा जीरो, ऐसा नहीं हो सकता, अपॉन में भी जीरो ही आ रहा है, देखो लकी गलत आंसर बेटा, जीरो नहीं आ रहा। अच्छा वत्सल कह रहे हैं, वत्सल भी कृष के साथ, ठीक है पीयूष 54 कह रहे हो, गलत लग रहा है बेटा मुझे, अपॉन में सेवन गलत कर दिया ना, कट करना भूल गए इसलिए जीरो आ रहा होगा, हाँ हो सकता है। माने करेक्ट आंसर है, माहिर करेक्ट आंसर है बेटा, दृष्टि गलत हो गया बेटा, हर्षित सही है, जीरो नहीं आ रहा। पहले इसके फैक्टर करोगे बच्चों, फैक्टर मैं आपको बताता हूं करना क्या है, पहले आप इसके फैक्टर करो, यस यस भाई फैक्टराइजेशन लिख रहे हैं बच्चे हमारे चैट बॉक्स में, बहुत बढ़िया बेटा बहुत अच्छे। ये कैंसिल हो गए, अब लिमिट पुट कर दो बस बात बन जाएगी, अब आप लोग लिमिट पुट कर दें बात बन जाएगी। भाई कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बच्चों, बताओ जल्दी से, क्या लिमिट की कहानी क्लियर होनी शुरू हुई, आज ही स्टार्ट हुआ है, डन है बच्चों डन है, अभी तक तो इजी लग रहा है, इजी है कोई परेशानी नहीं आएगी। दृष्टि गुड बेटा, चलो फिफ्थ क्वेश्चन होमवर्क में रखो, ये फिफ्थ जो है ना इसे होमवर्क में लिखो जल्दी से, करके देखना है, हाँ इजी है ये करके रखना है, ये वाला कोई खास दिक्कत नहीं है, मैं बता देता हूं अगर किसी को इश्यू हो उसमें। कभी तुम सोच रहे हो मैंने मुश्किल क्वेश्चन दे दिया आपको, कुछ कॉमन आ रहा है,
अब एलसीएम ले लेना, अगला आगे के स्टेप्स खुद करना, आगे के स्टेप्स आप लोग खुद करोगे, ठीक है, आगे के स्टेप्स आप खुद करोगे। भाई बताओ ये क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ। चलो बहुत दिन हो गए कॉल नहीं करा। आंसर भी निकाल दिया बच्चों ने तो, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। फिफ्थ डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। अच्छा कौन कह रहा है भैया, कौन है ये बबुआ, जरा रखना यहाँ पे एक्स की जगह वन पुट करना। डिनोमिनेटर जीरो नहीं आ रहा क्या, यहाँ भी और यहाँ भी पुट करने से क्या कर रहे हो बेटा, चेक करो वन जीरो आ रहा है अपन में। चलो अब नई प्रॉपर्टी सुनो आज की, ये सारे हो गए आपके भाई, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया था, सेकंड सारा हो गया, बताओ हुआ नहीं हुआ, जल्दी से बताओ, हो गया ना। अब सुनो एक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सुनो सारे बच्चों, एक प्रॉपर्टी है, पहले से क्लियर कर देते हैं क्या है ये बच्चों, यहां ध्यान से देखना जरा एक बार बच्चों, एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से ये दिख रहा है आपको, ये पहले तो देखो ये x और a, यहां पर भी x और a और यहां पर भी x और a, तीनों जगह सेम है या अलग अलग है बताओ, क्या तीनों में सेम है, और इनकी पावर भी सेम होनी चाहिए तब ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं एग्जांपल लिखता हूं, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चों, एग्जांपल देखो आप जरा, सारे बच्चे एग्जांपल देखेंगे, देखो चेक करो क्या ये बिल्कुल वैसा ही है जो मैंने बता रहा हूं, क्या ये मैच कर रहा है, मैच क्या ये मैच कर रहा है, मैच कैसे करता है ये बताते, देखो दोनों 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 सेम और पावर भी दोनों की सेम, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ, कर रहा है ना मैच, तो जब ये मैच करता है तो हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है कि n की वैल्यू लिखो, देखो n की वैल्यू कितनी है, फिर a की वैल्यू लिखो, देखो a की वैल्यू कितनी है, बताओ भाई बताओ, क्या ये समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों, क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नो वाला बच्चा बताओ कौन है, चलो कोई नहीं है, लिमिट तो है बेटा, ए ए बोले तो, ए बोले तो टू, ए मतलब एनी नंबर, एनी नंबर हो सकती है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो और सुनो, अब देखो इसमें क्या हुआ, चीज तो वैसी है बिल्कुल भाई, आप देखो चीज तो बिल्कुल वैसी है,
दोनों और 27 को क्या लिख सकते हो? 27 का मतलब 3 का क्यूब है ना, उल्टा हो गया। हाँ ये सेम है और पावर भी सेम है, तो इसका आंसर बच्चों पता है क्या होगा? इसका आंसर भी वैसे ही निकलेगा, बस 1/2 में निकलेगा, उल्टा हो जाएगा। तो आप देखो n की वैल्यू कितनी है बेटा, n की वैल्यू दिख रही है आपको? n की वैल्यू, a की वैल्यू, अगर समझ में आया तो जल्दी से बताओ, नहीं आया तो बताओ, नहीं आया तो डाउट बताओ, समझ में आ गया तो आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया, चलिए जी अब आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन दिखेगा, चलो अभी कोई बढ़िया क्वेश्चन नहीं दिखा, मैं ही कराता हूं अभी आपको। चलो अब क्वेश्चन समझना आप लोग, मैं करा रहा हूं बच्चों, आप क्वेश्चन समझिएगा, मैं करा रहा हूं, ठीक है? एग्जाम्पल 3 करा रहा हूं मैं पहले आपको। यहां देखिए ये जो लिखा होता है ना बच्चों, ये जो साइड में लिखा हुआ है लिमिट, इसको बोलते हैं एक्स अप्रोचिंग। एरो का मतलब होता है अप्रोच, एक वर्ड और होता है टेंस। मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब है इसका, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से, है ना, और क्वेश्चन पूछना आप अपना जो आपको लगता है क्या बनता है कुछ क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? हुआ क्या, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बार बार क्लास में हर जगह में यही एक दो ही एग्जांपल बताता रहता हूँ आसान आसान से, कि आपके घर वालों ने आपको दिए 80 रुपीज और बोलो जाओ मार्केट से दही खरीद के लाओ, दही लाओ डेरी से, वो होती ना जैसे राजवी डेरी, त्यागी डेरी, वर्मा डेरी, ठीक है, कालरा डेरी, बोले जाओ डेरी से, महालक्ष्मी डेरी, जाओ डेरी से दही लेके आओ। आप गए, यही था ना, हाँ दीप कह रहे यही एग्जांपल था, तो बच्चे आप गए लेने दही, उन्होंने दही तोली, मेजर कहते हैं ना दही को, उन्होंने आपको दही दे दी, जो भी पैकेट है उसमें बंद करके दही दे दी, एक किलो के हिसाब से दे दी उन्होंने, आपने उन्हें 80 रुपीज दे दिए। माय क्वेश्चन इज, क्या जो आपने दही लिए वो एग्जैक्टली 1 किलो है? क्वेश्चन ये है मेरा, क्या जो दही आपने खरीदी है क्या वो एग्जैक्टली 1 किलो है? तो वो कम है या ज्यादा है? वो कम है या ज्यादा है? आर वी श्योर? अनंत कह रहा है कम है, कृष कह रहे हैं कभी कभी कम कभी कभी ज्यादा, कम भी हो सकती है ज्यादा भी हो सकते। भाई अगर कम है तो तुम लड़े क्यों नहीं, तो तुम लड़े क्यों नहीं अपने हक के लिए? और अगर ज्यादा है तो तुमने ज्यादा पैसे क्यों नहीं दिए, या वो क्यों नहीं लड़ा?
वो क्यों नहीं लड़ा? चलो अच्छा, तुमने माफ कर दिया इसलिए. अच्छा ये बहुत बढ़िया है, है? माफ कर दिया. लिक्विड लीटर में होते हैं. अरे बेटा किलो में नाप लेते हैं, मान लो, इतनी लड़ाई मत करो, एक लीटर बोल दो. चलो वैसे दही किलो में ही लेकर आते हो आप, होती लीटर में, बट आप लाते किलो में, ज्यादा आती है, आप बहुत चतुर हो. सर दोनों बहुत दानवीर हैं. बेटा ऐसा नहीं है, तुम लोगों के बस की नहीं है लड़ाई, ना उसके बस की लड़ना है. सर क्या लड़ना 5-6 ग्राम के लिए? बढ़िया. एक्चुअली इसी चीज को हम कहते हैं कि आपने 1 किलो दही नहीं खरीदी, आपने अप्रोचिंग टू 1 किलो दही खरीदी है, अप्रोक्सीमेट. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे ना, मुझे ये बताओ पीयूष गुप्ता जी, आप गुप्ता जी हैं, बताएंगे जरा. 1 किलो सोना लेने गए थे आप लोग, आपको भेजा गया जाओ बेटा पीयूष 1 किलो गोल्ड लेके आओ. अब 1 किलो गोल्ड लेकर आओ, अब 5-6 ग्राम कम या ज्यादा होता तब क्या होता? तब लड़ते कि नहीं लड़ते? बड़े दानवीर बन रहे हो. नहीं, बड़े दानवीर बन रहे थे ना. कहाँ गए ये वत्सल? हाँ बेटा, पापा से बोलेंगे कि 1 किलो गोल्ड लेके आना है और थोड़ा बहुत चलेगा, दानवीर बनोगे उस वक्त? दंगे हो जाएंगी क्यों भी. अब क्या हो गया? अब कहाँ गई वो तुम्हारे अंदर का इंसान जो बनने को तैयार हो जाएगा हैवान? अब क्यों नहीं लड़ रहे आप? मुझे दान में चांटे मिलेंगे. सही है बेटा, चांटे मिलने, और क्या हो रहा है? हाँ हम पैसे भी कम देंगे. क्यों दही के क्यों नहीं कर रहे थे भाई? दही वाले केस में आप पैसों के लिए नहीं कह रहे थे, अब आप पैसों के लिए कह रहे हो हम ले लेंगे. तुम तो बड़े चालू निकले भी, बहुत ही दही सस्ती है. अच्छा दही सस्ती है, सो दोनों के अमाउंट में बहुत डिफरेंस है. सही बात है. अच्छा लकी कह रहे, सर पता कैसे लगा? क्यों गोल्ड का पता कैसे लगा रहे हो भाई? गोल्ड में कम ज्यादा है पता नहीं लग जाता, दही में पता नहीं चलता तब लग जाता है, ऐसा क्यों होता है? दही में पता नहीं चलता, गोल्ड लोगे तो. और डायमंड होता तो भाई? अगर डायमंड होता तो अगर डायमंड होता तो तब बनते दानवीर? डायमंड में कम ज्यादा नहीं होता. तो बेटा पॉइंट बात ये है कि कई बार ये चीज मैटर करती है, कई बार ये चीज मैटर नहीं करती, तो आप खुद ही डिसाइड कर रहे हो. तो पूरी दुनिया में जो कैलकुलेशंस हो रही है ना, जो मेजरमेंट हो रही है, वो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस पे हो रही है. जो मेजरमेंट हो रही है वो अप्रोक्सीमेट हो रही है, और उनकी कैलकुलेशन भी अप्रोक्सीमेशन में चल रही है. तो इसीलिए अप्रोचिंग की वैल्यू ज्यादा है कैलकुलेशन में बजाय एग्जैक्ट के. और रही बात आपके गोल्ड की भी, बेटा गोल्ड भी एग्जैक्टली मेजर नहीं कर पाते आप लोग, वो भी अप्रोक्सीमेट ही होता है. हम एग्जैक्टली मेजर कर ही नहीं पाते. तो जब एग्जैक्टली मेजर नहीं होता तो उन कैलकुलेशंस को करने के लिए लिमिट का कंसेप्ट, जिसका मतलब है अप्रोचिंग, मतलब लगभग है, लगभग उतनी है, उससे फर्क नहीं पड़ा. तो ये आपने अप्रोचिंग टू 1 kg करा था, जिसका आपने अप्रोचिंग 80 आंसर दे दिया. इस तो थोड़ी ना अप्रोक्सीमेट पे काम करता है. नहीं बेटा, मार्जिन एरर वहां पे भी चलता है, वहां भी चलता है, लेकिन वो कम करते हैं कोशिश, कम से कम, कम से कम, कम से कम. इसरो हो, नासा हो, सबको करना पड़ेगा. सिग्निफिकेंट फिगर का वजूद तो है. यस सिग्निफिकेंट. हर चीज एग्जैक्टली मेजर नहीं हो पाएगी. आपको लगता है यहां से सन कितनी दूर है, आपका मास कितनी दूर है, तो एक अप्रोक्सीमेट आपको किलोमीटर बताते हैं कि बिल्कुल उतने किलोमीटर निकलेगा. 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर भी आगे पीछे नहीं निकलेगा. सोचो निकलेगा या नहीं निकलेगा. तो ये पूरी मैथमेटिक्स की दुनिया में इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी ढूंढा गया, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको लिमिट के थ्रू मिला है. तो लिमिट की कैलकुलेशन इसलिए करी जाती है, जैसे कि हमें पता चले कि अप्रोक्सीमेशन में
बहुत शार्प अप्रोक्सीमेशन में हम लोगों की कैलकुलेशन ठीक बनी रहे, और यहीं से डिफरेंशिएशन चला है फिर आगे। क्या कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है बच्चे? नहीं हो रहा? कुछ बात पता चल रही है कि लिमिट आया क्यों? चलो एक क्वेश्चन थर्ड बता देता हूं, इसके बाद आपको फ्री करेंगे आज। फायदे के लिए है, सारी कैलकुलेशन फायदे के लिए है बच्चों, बिल्कुल सही बात है। और ये कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही बच्चों, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा इससे, ये तो एक इंफॉर्मेशन है। किसके बारे में? x के बारे में, कि x कैसा है। ये एक इंफॉर्मेशन है x के बारे में, ठीक है। तो हमने क्या करा बच्चों, हमने x माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, और हमने ये सोचा कि इस क्वेश्चन को अब हम दो अलग अलग पार्ट में करेंगे। एक तो x की पावर 15 के लिए करेंगे, और एक करेंगे x की पावर 10 के लिए। अब ये बताओ फर्स्ट पार्ट में बच्चों, ये दोनों सेम, और पावर भी इनकी सेम, सिमिलरली x01 सेम, और इनकी पावर भी सेम। तो ये क्या जाएगा, 15, 1 की पावर 15 माइनस 1, 10, 1 की पावर 10 माइनस 1, 3/2 आ गया बस, ठीक है, 3/2 आ गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ बच्चों, जल्दी बताओ, क्लियर हो गया? हाँ, 1.5, 3/2, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चों, क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू कंप्लीट कि जितना मैक्सिमम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा एक दो क्लास का काम है, ठीक है। टॉपिक खत्म हो रहा है हमारा ये, चलो अभी एंड करते हैं बच्चों, एंड करते हैं, गुड बाय।